अगर आपको किसी भी ऑटोमेटिक मशीन में पानी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं चेक करने के। सबसे पहले आप अपना वाटर जहाँ से आ रहा है वहाँ पे चेक करिए, जैसे कि ये है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे इसको खोल के इसको खोलेंगे, यहाँ हम देखेंगे पूरा प्रेशर है, पानी आ रहा है। हमने ये लगा दिया, यहाँ हमने खोल दिया, यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ पे पानी आ रहा है आपका, ठीक है। अगर पानी किसी वजह से नहीं आता है तो आपको यहाँ पे ये दो एक स्क्रू यहाँ हैं और एक स्क्रू यहाँ है, इसे खोल के फिर आपको इसे बड़े आराम से खोलना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, ये टूट सकता है। जब आप इसको इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये सॉलिनॉइड वाल्व दिखाई देगा। यहाँ पर एक ही वाल्व है, किसी किसी में गर्म और ठंडे के लिए अलग अलग होता है। तो जब ये यहाँ वॉश वाला जल रहा होगा तब यहाँ सप्लाई आएगी और ये जो वॉल है इसके थ्रू पानी अंदर जाएगा। तो आप यहाँ पे सप्लाई भी चेक कर सकते हैं 230 वोल्ट। और अगर कचरा फंसा हो तो इसे यहाँ से खोल के साफ कर सकते हैं। अगर सॉलिनॉइड वॉल्व चेंज करना हो तो यहाँ से डिसमेंटल करके, अगर यहाँ सप्लाई आ रही है और फिर भी पानी थ्रू नहीं हो रहा है तो ये सॉरी नॉट वॉल्व चेंज करना पड़ेगा। ये तीन प्रॉब्लम हो सकती है आपकी।